गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 16, जिसमें हमने SQL कमांड्स स्टार्ट की थी। उसमें हमने डेटाबेस की कुछ कमांड्स, टेबल क्रिएट करने की, इंसर्ट इनटू की कमांड पढ़ ली थी, है ना। आपको समझ में आ गई होंगी, आप लोगों ने चला के देखी या नहीं आप मुझे बताइएगा। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे की कमांड्स जो आपकी बुक में दी गई हैं 16.15 में। सबसे पहले हम देखते हैं डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का उपयोग हम टेबल में से रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए करते हैं, है ना। हम उस टेबल में से किसी एक कॉलम को, एक रो को, या पर्टिकुलर वैल्यू को, या हम कंडीशन लगा के जो भी स्पेसिफिक चीज़ डिलीट करना चाहते हैं उसको भी रिकॉर्ड में से या टेबल में से डिलीट कर सकते हैं। द डिलीट कमांड डिलीट्स वन, मैनी और इवन ऑल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन डैट यू स्पेसिफाई। डिलीट कमांड की मदद से आप एक, बहुत सारे या सारे रिकॉर्ड्स को टेबल में से डिलीट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कंडीशन क्या दे रहे हैं। कंडीशन देने के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। वेयर क्लॉज की मदद से हम कंडीशन देते हैं किसी भी कमांड को चलाने के लिए। तो चलिए डिलीट कमांड का सिंटेक्स देखते हैं अपन। ये रहा डिलीट कमांड का सिंटेक्स। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सर्च कंडीशंस। डिलीट फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे, वेयर सर्च कंडीशन, मतलब कुछ हम सर्च कंडीशन देंगे कि इसको सर्च करके डिलीट करना है। सिंपल तरीके से इस कमांड को लिखना है, ठीक। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में जब क्रिएट टेबल सीखी थी तो स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी। मैं सारी कमांड्स आपको उस स्टूडेंट टेबल पे ही रन करके दिखाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और यदि आप घर पे या यहाँ पे भी, स्कूल में भी आके यदि चलाते हैं तो आप उस एक ही टेबल पे काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन 111। हमने रोल नंबर 111 112 223 ऐसे डाले थे। तो हमने एक कंडीशन दे दी कि जहाँ रोल नंबर 111 से बड़ा है उसमें उस रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, ठीक है। यदि हम चाहें तो इसको बिना वेयर क्लॉज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। डिलीट कमांड को वेयर क्लॉज के बिना भी हम यूज़ कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो वो क्या करेगा, टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। इफ़ डिलीट कमांड इज़ एग्जीक्यूटेड विदाउट कंडीशंस इट विल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। यदि आपने डिलीट कमांड को बिना कंडीशन के चलाया तो वो सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। कंडीशन दोगे तो सिर्फ वो कंडीशन जो दी है उसको फॉलो करते हुए डिलीट करेगा। मतलब यहाँ क्या डिलीट करेगा, जिसका रोल नंबर 111 से ज़्यादा है, है ना। और जिन 111 से कम रोल नंबर वाले सारे रिकॉर्ड्स आपके रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट तो ये आपका स्टूडेंट नाम का जो टेबल है उस पूरे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा, ठीक है। ये थी हमारी डिलीट कमांड। इसके बाद हम देखते हैं मॉडिफाई कमांड। मतलब हम अपने डेटा को मॉडिफाई या अपडेट, जो हमारे पहले से कंटेंट हैं उनको कैसे अपडेट कर सकते हैं। किसी टेबल में आपने कोई वैल्यू एंटर करी बट आप उसमें चेंज करना चाहते हो तो वो हम किस कमांड से करेंगे, मॉडिफाई या अपडेट कमांड से। अपडेट कमांड से हम टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट कर सकते हैं और आप कंडीशन देके जो भी उसमें चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो। मॉडिफाइंग और अपडेटिंग कंटेंट्स ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पे हम उसके रिकॉर्ड्स के कंटेंट को चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। द अपडेट कमांड चेंजेस वन, मैनी और इवन ऑल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दैट यू स्पेसिफाई। सबसे पहले हम सिंटेक्स देखते हैं इसका। अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन कॉलम नेम एक्सप्रेशन वेयर सर्च कंडीशन। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसका शायद आप सिंटेक्स देख के थोड़ा सा घबरा गए होंगे कि इतना बड़ा है। इसको अच्छे से समझते हैं पहले। सबसे पहले लिखेंगे हम अपडेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेबल नेम, ये हमने टेबल का नाम लिखा स्टूडेंट। उसके बाद लिखा है सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। हमें एक कॉलम नेम को चेंज करना है
क्या चेंज करना है वो हम दे रहे हैं। देखो, सेट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर प्लस वन, मतलब जो रोल नंबर डले हुए हैं उन सबको हमें चेंज करना है कि उन सब में प्लस को ऐड करना है। तो 111 जैसे रोल नंबर डला है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट क्या करना है, सेट करना है रोल नंबर वाले कॉलम में रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर प्लस 1, तो वो इस वैल्यू को चेंज कर देगा, रोल नंबर प्लस 1 कर देगा। तो यहाँ एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, क्योंकि हमने इसमें रोल नंबर प्लस 1 यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज़ किया है कंडीशन देने के लिए, इसलिए इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ इसके फॉर्मूला में ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि हम इसमें ऑपरेटर का यूज़ करके कंडीशन दे सकते हैं। हम ग्रेटर देन, प्लस, माइनस, डिवाइड, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी ऑपरेटर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया हम क्या कर रहे हैं। अपडेट स्टूडेंट सेट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर प्लस 1, रोल नंबर का जो कॉलम है उस पूरे कॉलम में हम प्लस 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी, इसका सिंपल सा आउटपुट आएगा। क्या आउटपुट आएगा, टेबल अपडेटेड, बस। अब उसके बाद टेबल में क्या चेंज हुआ है और क्या नहीं हुआ है वो आप कहाँ से देखोगे, वो शो टेबल करके। आप टेबल को शो करने का कमांड लिखेंगे, उससे आप कमांड में क्या चेंज हुआ है वो देख पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी सिलेक्टिंग और डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। आप अपनी टेबल में से किसी सर्च कंडीशन लगा के कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपने वो कॉलम अपडेट किया, अब उस कॉलम को देखोगे कैसे, क्योंकि इसको रन करने पे तो आउटपुट आएगा आपका टेबल अपडेटेड। अब उस टेबल में चेंज हुआ है या नहीं उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल को देखना चाहेंगे या कॉलम को देखना चाहेंगे। तो ये सिलेक्ट और रिकॉर्ड, सिलेक्ट और डिस्प्लेइंग टेबल के अंदर ये कमांड्स आती हैं। हम एक पूरी टेबल को भी देख सकते हैं, हम एक कॉलम को देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। जो हम देखना चाहते हैं डिपेंड करता है कि हम कंडीशन कैसी लगाते हैं, उसको वो कंडीशन लगा के व्यू कर सकते हैं, ठीक है। माई एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट यूज्ड टू सर्च सिलेक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम इसको लिखते कैसे ये देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यदि हम सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं तो वो हमें पूरी टेबल शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट नाम की जो पूरी टेबल बनाई है और उसमें जो जो कंटेंट है वो पूरी टेबल यहाँ पे शो कर देगा एज एन आउटपुट। मैंने यहाँ पे आउटपुट में टेबल आपको दिखाई नहीं है, ये आपका काम है कि आप टेबल क्रिएट करें, फिर ये कमांड लगाएं, फिर जो आउटपुट आ रहा है उसको यहाँ लिखें। मैंने यहाँ आउटपुट आपके लिए होमवर्क में छोड़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जैसे ही आप लिखोगे तो आपने जो स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है वो यहाँ शो होगी, राइट। आउटपुट में वो टेबल लिखेंगे, क्लियर। अब हम कुछ कंडीशंस के साथ शो करना चाहते हैं तो कैसे, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, है ना। इसके अलावा आपकी बुक में भी बहुत सारी सर्च कंडीशंस की ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से आप यदि उन पर नज़र डालोगे तो अब आपको वो समझ में आ जाएंगे कि हमने सेलेक्ट करने के लिए कैसे कंडीशंस लगाई हैं, क्लियर। अब हम देखते हैं कि कैसे हमने कंडीशन लगाई हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक आप एग्जांपल में देखिए, यदि मुझे किसी टेबल के एक या दो कॉलम को ही देखना है तो मैं उसको कैसे लिखूँगी, सिलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3 फ्रॉम टेबल नेम। मेरे को मेरी स्टूडेंट टेबल के केवल दो ही कॉलम देखना है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगी, सिलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। कॉलम नेम्स को हमने कॉमा कर करके लिखा है, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारी टेबल का नाम है, क्लियर। तो यहाँ मैंने क्या किया है, अपनी पूरी बड़ी टेबल में से जो सिलेक्टेड कंटेंट देखना चाहती हूँ उनको सिलेक्ट किया है। और जैसे ही ये करूँगी आपका यहाँ पे वही टेबल शो देगी जो आपने यहाँ ऑप्शन में कॉलम्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से आउटपुट नहीं लिखा है, ये आप ही लिखेंगे, आप ही चला के देखेंगे और इसको देखेंगे कि ये कैसा दिख रहा है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें कोई भी वैल्यू है उसमें से डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है,
तो हम SQL के अंदर डिस्टिंक्ट कमांड का यूज़ करेंगे डिफरेंट वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, इस स्टेटमेंट की मदद से हम कॉलम्स में से जो डिफरेंट वैल्यू है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स समझने से पहले हम इसको एग्जांपल से ही देखते हैं। कुछ नहीं है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम 1, 2 फ्रॉम टेबल नेम। जैसे हमने पहले सिलेक्ट कमांड लगाई ना, उसी तरीके से इसको लिखना है, बस एक नया कीवर्ड ऐड हो गया डिस्टिंक्ट। ठीक है, इससे हम दूसरी जो डिफरेंट वैल्यूज़ वाली रो या कॉलम है उनको शो कर सकते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सॉरी, इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दिया नहीं है। इसको लगाएंगे कैसे और इसका एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करती हूँ या PDF में, बट इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मैं अपनी टेबल पे लगा के दिखाती हूँ। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, आप कौन कौन सा ले लेंगे, रोल नंबर और DOV। ये दो कॉलम नेम लिए हमने, रोल नंबर एंड DOV फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम में हमारा कौन सी टेबल आएगी, स्टूडेंट टेबल जो हमने बनाई है। जैसे ही हम इस पर लिख के सेमी कॉलन करके रन करेंगे तो वो जितना भी, यदि इनका DOV किसी का सेम होगा तो उनको शो नहीं करेगा, और जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज़ वाली होंगी उन सबको वो शो कर देगा। हमारी जो हमने स्टूडेंट टेबल बनाई है वो ऐसी टेबल बनी हुई है जिसमें डिस्टिंक्ट कमांड हम नहीं लगा सकते हैं। आप एक और टेबल बनाना जिसमें आप ऐसी रिपीटेड वैल्यू एंटर करना, जैसे कॉस्ट सबकी रिपीट, एक कॉस्ट के लिए बना प्रोडक्ट वाली टेबल बना लेना कि उसमें प्रोडक्ट के नाम और कॉस्ट हो, और कॉस्ट 2-3 प्रोडक्ट के आप सेम कर देना, उस पर ये डिस्टिंक्ट कमांड लगाना, तो वो सेम जो कॉस्ट होगी ना उनको शो नहीं करेगा, इसके बाद आपको आगे दूसरी शो कर देगा जिनकी प्राइस डिफरेंट होगी। ठीक है, ये जब आप थोड़ा फैमिलियर हो जाएंगे इसको चलाने में तो आप अलग अलग टेबल्स खुद भी क्रिएट करना सीख जाएंगे, तो ये सारी कमांड्स आपको खुद से लगाना आ जाएंगी। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी कि हम कितने सर्च कंडीशन जो हम करते हैं उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, और वेयर और सिलेक्ट कमांड के साथ किन किन का हम कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। जैसे ये हमारे जो ऑपरेटर्स हैं सारे, कौन कौन से ऑपरेटर है, एक इक्वल टू है, ये लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे इतने सारे कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर्स को भी हम अपने उसमें सर्च कंडीशन में लगा सकते हैं, और सर्च कंडीशन में इन ऑपरेटर्स को हम बहुत आसानी से लगा के अपने जो आउटपुट को है अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज़ दिस। यहाँ तो मुझे बच्चे का रोल नंबर पता था, मुझे वही बच्चा देखना था, इसलिए मैंने ये कंडीशन लगा दी कि स्टूडेंट से निकाल दो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 222। यहाँ पे इक्वल टू लगेगा, इक्वल टू 222। ठीक है, तो ये सीधे वही वैल्यू निकाल रहा है, लेकिन कहीं पे हमें कंपैरिजन वाली बात आ जाती है, कहीं कोई ऐसी कंडीशन देनी रहती है जहाँ पे कंपेयर करके आउटपुट लेना है, तो वहाँ हम ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करके अपनी वैल्यू को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सर्च करने के लिए बिटवीन एंड नॉट बिटवीन। जहाँ पे दो रेंज के बीच में वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वहाँ पे बिटवीन एंड नॉट बिटवीन लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक प्राइस वाली टेबल बनाना जिसमें प्रोडक्ट का नाम और उनकी प्राइस लिखना। ठीक है, अब यदि आपको ऐसे प्रोडक्ट व्यू करना है जिनकी प्राइस 400 से लेके 1000 के बीच में है, तो आप उस कमांड को कैसे लगाओगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस बिटवीन 400 एंड 1000। मैंने ये स्टूडेंट टेबल पे अलग लगाया है। स्टूडेंट टेबल पे मैंने कैसे लगाया है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर बिटवीन 111 एंड 666। तो ये कौन से बच्चों के नाम शो करेगा, कौन से बच्चे शो करेगा जिनके रोल नंबर 111 से 666 के बीच में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा और किसी को ये शो नहीं करेगा। और नॉट बिटवीन मतलब जिनके रोल नंबर 111 और 666 के बीच में आते हैं उनको शो नहीं करेगा, उनके अलावा सबको शो करेगा। तो एक तरीके से नॉट बिटवीन जो है वो बिटवीन का अपोजिट हो गया, ये सिर्फ उनको शो कर रहा है जिनको नॉट बिटवीन नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने स्टूडेंट टेबल पे एग्जांपल दिया है। आप एक प्राइस वाली टेबल भी बनाना, उस पर भी शो करके देखना, तो आपको ये डिफरेंस जो है और ये रेंज देने वाली जो कमांड है वो समझ में आ जाएगी।
बिटवीन मतलब हमें लिमिट के बीच की चीज़ यदि फाउंड करना हो तो हम बिटवीन कमांड लगाते हैं, और नॉट बिटवीन कब लगाते हैं, जब हमें उस लिमिट के अलावा की चीज़ें से 111 और 666 के बीच के रोल नंबर नहीं चाहिए, इसके अलावा हमें सारे चाहिए, तो हम नॉट बिटवीन लगाएंगे। क्लियर? तो ये हमारी सर्च कंडीशंस के लिए ऑप्शंस है, इनको यूज़ करके हम अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारी बुक में जो कमांड दी हुई है वो है शॉर्टिंग रिकॉर्ड्स, मतलब हम अपने रिकॉर्ड्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। हमने इंसर्ट कर दी वैल्यू, टेबल बना ली है अच्छी खासी, लेकिन हम उसको अरेंज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, शॉर्ट कमांड, जिसमें सबसे पहला कीवर्ड हमारा आता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय कमांड से हम अपने रिजल्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करके व्यू कर सकते हैं, है ना। ऑर्डर कीवर्ड की मदद से हम एक शॉर्टेड रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर रहता है, और यदि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो हम DESC कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जो ये लिखा है DESC, इस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो हमें असेंडिंग ऑर्डर देता ही है, यदि हमें डिसेंडिंग चाहिए तो हम DESC कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं, शायद आपको उससे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसको लगाना कैसा है ये समझें। सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम 1 कॉलम 2, या तो असेंडिंग करना है तो हमें कुछ नहीं लगाना, और डिसेंडिंग करना है तो DESC लिखेंगे, ठीक है। अब नीचे एग्जांपल देखो क्या लिखा है मैंने। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम, हमें स्टूडेंट टेबल को शो करना है, बट उसको किसके फॉर्म में शॉर्ट करके, नेम के फॉर्म में, ऑर्डर बाय नेम, मतलब अल्फ़ाबेटिकल नाम जो वो अरेंज कर देगा, भले रोल नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे लेकिन हमें अल्फ़ाबेटिकल नाम के साथ वो अरेंज करके टेबल को शो करेगा, राइट। ये कहलाती है ऑर्डर बाय कमांड, कि इसमें हम इनके ऑर्डर बाय करके अपनी टेबल को व्यू कर सकते हैं। सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफ़ॉल्ट यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में देगा, यदि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ये हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम, DESC, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, राइट। इसे हम लिखेंगे तो ये Z to A फॉर्म में हमें पूरा अरेंज करके दे देगा। इसको भी आप चला के देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी, बट आपको ये तो पता चल गया कि ऑर्डर बाय कमांड क्या करता है। तो ऑर्डर बाय कमांड हमारे डेटा को शॉर्ट करके हमारी कंडीशन के अनुसार हमें टेबल व्यू करने का सुविधा देता है, ठीक है, फैसिलिटी देता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ऑर्डर बाय सेवरल कॉलम्स, हम कई कॉलम्स को भी सिलेक्ट करके उस हिसाब से भी व्यू कर सकते हैं। लाइक हमें एक कॉलम के ऑर्डर बाय शो करना है तो वो हमने कर ली, लेकिन हमें 2-3-4 कॉलम चाहिए तो हम ऑर्डर बाय में कंडीशन दे सकते हैं। देखो एग्जांपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय डेट ऑफ बर्थ एंड नेम, है ना, मतलब मुझे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए स्टूडेंट टेबल में से, जिसमें से डेट ऑफ बर्थ और नेम चाहिए, और जिसमें ऑर्डर बाय किसके होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के। तो ये हमारी कॉलम में डेट ऑफ बर्थ और नेम के निकाल के और उसको अरेंज करके टेबल को व्यू कर देगा। ये काम है हमारे ऑर्डर बाय कॉलम, ऑर्डर बाय कमांड का, ठीक है। इसको जब तक आप चला के नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। थ्योरी हो सकता है थोड़ी आपको डिफ़िकल्ट लग रही हो, या सिंटेक्स आपको सारे डिफ़िकल्ट लग रहे हो, एग्जांपल समझ नहीं आ रहे हो, लेकिन एक बार आप ऑरेकल चला के देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएंगे। आपके घर पे सिस्टम हो तो उस पे चला के देख सकते हैं, नहीं हो तो फिर आप स्कूल आइए, यहाँ चला के देखेंगे, है ना। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइंग टेबल स्ट्रक्चर। टेबल का स्ट्रक्चर किसे कहते हैं बेटा, जो हमने सबसे पहले क्रिएट किया ना, जिसमें हमने सारे कॉलम और उनके डेटा टाइप्स बताए, उनकी रेंज डिफाइन करी, वो सारा कहलाता है टेबल का स्ट्रक्चर। टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम मॉडिफाइंग टेबल स्ट्रक्चर कमांड्स का यूज़ करते हैं, जिसमें आता है अल्टर कमांड, ठीक है। अभी हमने पहले कौन सी पढ़ी थी, जिसमें हम वैल्यूज़ को चेंज कर रहे थे, है ना, वो कौन सी कमांड्स पढ़ी थी हमने अभी, वो पढ़ी थी अपडेट कमांड, जिसमें वैल्यू अपडेट कर रहे थे। यहाँ ये अल्टर कमांड है,
थोड़ा सा अंतर है अल्टर और अपडेट कमांड में, वो अंतर क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस आपको सारे भेजूंगी। फिलहाल ये कमांड लगाते कैसे हैं ये सीखिए। जैसे हमने एक टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया है बट उसमें हम एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, राइट। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल। सबसे पहले हमने लिखा अल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड, क्योंकि कॉलम जोड़ना है ना तो ऐड लेंगे, ठीक है। ऐड कॉलम नेम, कॉलम नेम का डेटा टाइप और डेटा टाइप उसके साइज़ के साथ, ठीक है। तो इस कमांड को लगाते ही हमारी टेबल में नया कॉलम ऐड हो जाएगा। ये हमने लगाया अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एज, एज हमें किस टाइप की लेनी है, इंटीजर। यहाँ हमने उसकी रेंज दे दी और रेंज देने के बाद इसको बंद कर दिया। तो हमारी जो स्टूडेंट टेबल थी उसमें नया कॉलम ऐड हो गया एज नाम का, ठीक है। अब हम इसको चाहें तो व्यू करके देख सकते हैं। तो टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है तो हम अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। अल्टर टेबल के अंदर भी ऐड आती है, रिमूव आती है, मॉडिफाई आती है। रिमूव नहीं, रिमूव को हम इधर बोलते हैं ड्रॉप कमांड। क्या बोलते हैं, ड्रॉप कमांड। आप बुक में देखेंगे ड्रॉप कमांड लिखी हुई है। अल्टर टेबल के अंदर आपकी कौन कौन सी आ जाती है, पहली तो ऐड हो गई, मॉडिफाई। मॉडिफाई का क्या मतलब होता है, मॉडिफाई का मतलब होता है कि हमें उसके साइज़ में कोई चेंज करना है, मॉडिफिकेशन यानि चेंज। मॉडिफाई का मतलब होता है कि हमें किसी कॉलम का डेटा टाइप या उसको नया साइज़ देना है ना, तो उसको चेंज करने के लिए हम मॉडिफाई कमांड लगाते हैं, सेम इसी तरीके से, ठीक। और इसके अलावा यदि हम कोई कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए कौन सी कमांड लगाएंगे, ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड से हम किसी पर्टिकुलर टेबल के स्ट्रक्चर में से ही पर्टिकुलर कॉलम को हटा सकते हैं। ये तो थी हमारी चैप्टर नंबर 16 की सारी कमांड्स, है ना। चैप्टर नंबर 16 में ये इतनी ही कमांड्स हैं आपको, अल्टर टेबल वगैरह और ये स्ट्रक्चर को और शॉर्ट करना, ये सारी कमांड्स आपके चैप्टर नंबर 16 में थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 17 जिसमें आपके फंक्शंस दिए हैं सारे, उनको समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, अभी आप इनको समझिए, घर पे सिस्टम हो तो चला के देखिए। धन्यवाद।